में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने प्रेस के समक्ष कहा था कि नागरिकों की इच्छा नहीं होने से वे अजनी नागपुर में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन यानी IMS की परियोजना को छोड़ देंगे। इस बयान से नागपुर का प्रत्येक नागरिक अचंभित है तथा इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए शहर की प्रमुख संस्थाएं IMS अजनी के समर्थन में एकजुट हुई है। इस विषय पर पत्र परिषद का आयोजन भी प्रेस क्लब में किया गया। अजनी वन परिक्षेत्र में यह IMS अजनी प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था, मगर पर्यावरण प्रेमियों ने इसका विरोध जताया था। इसी कड़ी में अब शहर की प्रमुख संस्थाओं बुटीबुरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन ने नागपुर स्थित अजनी क्षेत्र में प्रस्तावित IMS परियोजना को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। IMS अजनी यह एक यात्री टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विभिन्न परिवहन जैसे रेल, सड़क, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS, बस रैपिड ट्रांजिट BRT तथा पैरामेडल को एकीकृत करता है। इंटरमॉडल स्टेशन यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर निकले बिना ही ट्रांजिट के दौरान परिवहन मोड बदलने की अनुमति देता है। IMS अजनी का उद्देश्य शहर में परिवहन नोड्स के एकत्रीकरण द्वारा शहर से बाहर जाने वाले व बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण शहर में होने वाली भीड़ को कम करना है। IMS में विभिन्न परिवहन साधन एक ही परिसर से संचालित होंगे जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती है, मगर गडकरी जी के बोलने के बाद अब इन सारी संगठनों ने उनके इस योजना को समर्थन देकर इस कार्य को पूरा करने के लिए मांग की है। विषय है अजनी इंटरमॉडल स्टेशन IMS। हम पूरे व्यापारी संगठन नागपुर के डेवलपमेंट के फेवर में है और IMS नागपुर को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से नागपुर के अंदर रेल, मेट्रो, बस कनेक्टिविटी एक जगह हो जाएगी और वो प्रोजेक्ट वही वाइबल है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको खापरी ले जाइए, लेकिन ये प्रोजेक्ट खापरी में वाइबल नहीं आएगा क्योंकि लोगों को वहाँ तक जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।